नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद ये मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी का धन्यवाद अदा करने के लिए कि एक जो विकट परिस्थिति मेरे परिवार के साथ बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा संकट के बादल गहरा चुके थे जो अब छट चुके हैं। आप सभी की दुआओं से और ईश्वर की कृपा से मम्मी जी और पापा जी दोनों ही आज स्वस्थ हैं और काफ़ी सुधार उनके हालत में हो चुका है। एक समय ऐसा आया था जब मैं ये सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रख पा रहा था, सोचने समझने का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पापा जी को एडमिट करवाने की नौबत आ गई थी और शुगर लेवल उनका काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन आप सभी की दी हुई दुआएं और हौसले से, उस सकारात्मकता से मैंने हिम्मत बना के रखी और उन परिस्थितियों से लड़े, बिल्कुल सकारात्मकता से लड़े, और उसका नतीजा है कि आज दोनों ही सकुशल हैं और स्वस्थ हैं। इस दरमियान ये जो कोरोना काल था, ये बहुत सारी चीज़ें सिखा कर देता है। इस दरमियान काफ़ी रिश्तेदारों की परख भी हो गई। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों की परख कहने का मतलब मेरा नकारात्मक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छे मुझे वहाँ पे सपोर्ट मानसिक रूप से, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि शारीरिक रूप से तो क्या है, अपन को एक अकेले व्यक्ति को ही भागना है। अब वहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की भाग दौड़ है, चारों तरफ कोरोना के पेशेंट हैं और हॉस्पिटल का और मतलब अस्पताल का इतना भयावह मंजर था उस समय, इतनी ज़्यादा भीड़ उस समय थी कि वो देख के ही जो है एक बार तो व्यक्ति घबरा जाता है। और उसमें क्या है कि उस समय देश में कैसी स्थिति थी, बेड अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में जब परिवार पर संकट आता है तो अपन थोड़े और चिंतित हो जाते हैं। और ये वीडियो और ये स्टूडियो आज पता नहीं, शायद 18 या 20 दिन बाद वापस मैं इस स्टूडियो की तरफ आया हूँ और वीडियो के जरिए आपसे रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन आपकी जो दुआएं मुझे, मेरे लिए जो आपने दुआएं मांगी वो निरंतर मिल रही थी और ईश्वर से आपने सभी ने प्रार्थना की, वो सभी ईश्वर ने कबूल करी। जो आप लोगों, अभी भले ही अपना YouTube परिवार 8,500 मेंबर्स का है, लेकिन ये 8,500 मेरे लिए 8.5 मिलियन के बराबर है। जो इतना प्रेम स्नेह और आपने जो निरंतरता मेरे साथ में बनाकर रखी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। रिश्तेदारों के बारे में ऐसा है कि रिश्तेदार जो हल्के फुल्के, जिससे मन मुटाव भी थे, वो भी इस समय जो है आगे आए और उन्होंने मानसिक रूप से मुझे बहुत ही संबल प्रदान किया, जिस वजह से मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ। और उसमें क्या है कि मैंने पॉजिटिविटी बनाकर रखी और ऐसी परिस्थिति में जब घर के दोनों बड़े मेंबर, मम्मी जी और पापा जी, दोनों ही बीमार हो गए, दोनों कोविड की चपेट में आ गए, पापा जी हॉस्पिटलाइज हो गए, मम्मी जी जो है वो नियमित रूप से व्यायाम और घर के कामकाज और उनका मतलब डेली रूटीन वो इस तरीके का था कि वो घर पे ही रिकवर हो गए। हालांकि कंडीशन उनकी थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी सांस लेने के मामले में और ऑक्सीजन लेवल के मामले में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है पॉजिटिविटी बना के रखी और घर पे ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर फिर घर पे चालू किया। खांसी उनको बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर पे ही उन्होंने ट्रीटमेंट लेकर, और अब काफ़ी स्थिति सुधार हो चुका है स्थिति में। यही वजह है कि आज मैं आप सभी के सामने आ पा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप सभी ने तो सपोर्ट किया ही, साथ ही मेरे जो दीदी और जीजाजी है उनका तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला। ऐसी परिस्थिति में जब रिश्तेदार करीब नहीं आते, वो मेरे साथ में आए हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए पापा जी को। और उस समय देखो, दो रिश्तेदार जो होते हैं, एक तो जीजू सा कहे और एक फूफू सा कहे, जीजाजी और फूफा जी, कई जगह फूफो जी ने बूढ़ो जी भी किया करें, तो ये दो रिश्तेदार यदि ऐसी परिस्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो समझ लेना कि इनसे बढ़िया आपके लिए अच्छा सोचने वाला कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इनके आपको मतलब इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में यदि आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ईश्वर ने उन लाखों रिश्तों में से ये एक रिश्ता बहुत चुनकर आपको दिया है। और ऐसे ही कई रिश्तेदार, हालांकि कोई सिख होते हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी जिनका हृदय काम नहीं करता, लेकिन काफी लोगों ने मुझे मानसिक रूप से संबल प्रदान किया और इसी वजह से जो है इस परिस्थिति से उबर कर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। मैंने कई सब्सक्राइबर, अपने कई मेंबर्स, यूट्यूब परिवार के मेंबर्स के कमेंट पढ़े, जिनको जिनके परिवार को कोई ना कोई क्षति पहुंची है, उन सभी के लिए मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। और मुझे दुख है
कि ये इस महामारी की चपेट में उनका परिवार भी जो है प्रभावित हुआ है। कई लोगों ने अपने भाई, कई ने अपनी माता पिता और कई करीबी रिश्तेदार खोए हैं। उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत बनाकर रखनी है और हमें अभी और बहुत कुछ सामना करना है। आगे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे इस दरमियान में आपसे वीडियो के जरिए रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन रीट की परीक्षा आपकी आगे खिसक चुकी है और लगभग लगभग जो है इस देश के, मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग सारे परिवार इस कोरोना से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। तो उसमें अपने जो है रीट के अभ्यर्थी और उनके परिवार भी प्रभावित हुए, तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। ये मुझे कई जरियों से पता चला है, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसी परिस्थितियां हैं उसी को देखकर सरकार ने परीक्षा आगे खिसकाई है। तो ये जो प्रभावित आपकी पढ़ाई हुई है, इसे हम वापस कवर करेंगे, हम फिर से उठ के खड़े होंगे, हम फिर से तैयारी करेंगे। मैं तैयारी करवाऊंगा आपको कंधे से कंधा मिलाकर। जब आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे आपने संबल प्रदान किया, तो आज मैं आपसे वादा करता हूं मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और इसी रूप में निस्वार्थ भाव से मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूंगा। कभी भी स्वार्थ की भावना अपने मन में नहीं लाऊंगा और आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से मैं हमेशा ही आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। और तैयारी जो अपन कर रहे थे वो और भी अच्छी तरीके से करेंगे। हालांकि अभी इन परिस्थितियों में जो है मैं खुद भी पढ़ाई से कोसों दूर हो गया। किताबें, मतलब वो कहते हैं मस्तिष्क में जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो याद रखते हैं, किसी की याददाश्त चली जाती है तो वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो स्मृति उनकी विलोपित हो जाती है, तो वो याददाश्त चली जाती है। इसी तरीके से कुछ बहुत ज्यादा चिंता हो गई, कई समय ऐसी परिस्थितियां हुई जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या, क्या होगा, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे में क्या है, पढ़ाई और ये तो बिल्कुल कोसों दूर हो गए। अभी भी किताब हाथ में लेता हूं तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो ये कुछ समय में सामान्य स्थितियां हो जाएगी और अपनी क्लासेस भी निरंतर कुछ बहुत जल्दी अपन कर देंगे, बहुत जल्दी निरंतर क्लासेस शुरू कर दूंगा मैं फिर से, और फिर से आपको भी निरंतर क्लासेस शुरू कर देनी है। क्या बदलाव करना है रीट के आगे खिसकने पर, उस पर भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे। आज जो है वीडियो के जरिए रूबरू होने का उद्देश्य यही था कि आप सभी को यह सूचना देनी है कि आप सभी की दुआओं से और ईश्वरीय कृपा से अब जो है मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही स्वस्थ हैं और अब काफी सामान्य स्थिति होने सामान्य होने वाली है, काफी सुधार हो चुका है। पॉजिटिविटी जो अपने कहते हैं ना, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ये सकारात्मकता की ऊर्जा जो आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई, उसी की बदौलत जो है ये सभी संभव हो पाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अपन मिलेंगे एक अगले वीडियो में, बहुत जल्दी अपनी मुलाकात होगी। आप सभी का आभार जो आप सभी ऐसे ही बने रहे, निरंतर क्लासेस बहुत जल्दी शुरू कर देंगे अपन, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अपनी जो भी पढ़ाई इस दरमियान छूटी है उसको बिल्कुल कवर करेंगे अपन, बिल्कुल आप चिंता ही मत करें, बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।